तो हेलो गाइस, आज इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड एंड इनकी प्राइजेस को लेकर। कहीं ना कहीं से तो आपने सुन ही लिया होगा कि यार ग्राफिक कार्ड की प्राइजेस वापस से बढ़ने वाली है, एंड साथ ही साथ में हमारे पास भी काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड्स आए हैं हाल ही फिलहाल में। तो लगे हाथ इस वाली वीडियो में आप लोगों को उनकी प्राइजेस भी बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पे रख दो ताकि इस तरह की वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। अब अगर इस वाले फील्ड में आप जरा सा भी एक्टिव रहते हो तो आपको पता चल गया होगा कि ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस वापस से बढ़ने वाली है। उसका रीजन क्या है पहले तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सीन ऐसा है कि जो हमारा इथेरियम है ना, इसका जो प्राइस है वो वापस से यार बूम पे चला गया, मतलब वापस से अराउंड 210,000 के आसपास चला गया है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। एंड अभी कुछ हफ्ते पहले 140,000 150,000 पे होवर कर रहा था, बट अचानक से इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाने की वजह से जो लोग माइन करते हैं ना इथेरियम, उनका यार प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया पहले के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली यार ग्राफिक कार्ड की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी, एंड सप्लाई का सीन तो आप लोग को पता ही है, सप्लाई कम है। हालांकि जो LHR वाले ग्राफिक कार्ड्स हैं ना, उनकी प्राइजेस नहीं बढ़ेंगी क्योंकि ज़्यादातर LHR वाले कार्ड्स यार परचेस नहीं कर रहे हैं माइनर, बिकॉज उसके अंदर यार जो हैश रेट है ना वो 50% कम कर दिया गया है, कोई लिमिटर लगा दिया है, वो भी हार्डवेयर बेस्ड लिमिटर है। तो इसकी वजह से यार LHR वाले कार्ड्स आपको सस्ते मिलेंगे। आपको कुछ एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आप RTX 3060 ले लो। अगर आप RTX 3060 LHR वाला कार्ड अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे परचेस करने जाते हो तो आपको अराउंड 55,000 के आसपास मिल जाएगा। वहीं अगर आप वही सेम कार्ड नन LHR वाला लेते हो ना, तो सेम कार्ड आपको 75,000 के आसपास तक पड़ने वाला है। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। तो यार LHR वाले कार्ड्स आने से एटलीस्ट हम गेमर्स का तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। एंड साथ ही साथ में लगे हाथ आपका एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस वापस से बढ़ेंगी तो क्या ग्राफिक कार्ड हमको अभी परचेस कर लेने चाहिए। तो देखो सीन ऐसा है, अगर आपका पीसी बिना ग्राफिक कार्ड के बंद है तब तो भाई आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता, आपको एक कार्ड लेना ही पड़ेगा। बट अगर आपका काम अभी चल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 4 से 5 महीने और वेट करने चाहिए। हो सकता है 4 से 5 महीने बाद प्राइजेस एटलीस्ट यार थोड़ी बहुत और स्टेबल हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की प्राइजेस को लेकर, हमारे पास कौन कौन से कार्ड आए हैं हाल ही फिलहाल में। तो शुरुआत करते हैं बजट वाले कार्ड्स को लेकर। यहाँ पे हमारे पास 1050 Ti का स्टॉक आया है, इनो 3D में ड्यूअल फैन एडिशन। ये वाला कार्ड अभी के टाइम पे आपको 18,500 रुपये में मिलेगा, स्टिल जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है, बट पहले के कंपैरिजन में एटलीस्ट थोड़ी बहुत इसकी प्राइजेस कम हुई है। पहले ये वाला कार्ड 20,000 के अराउंड सेल हो रहा था, अभी 1500 रुपये आपको एटलीस्ट डिस्काउंट देखने मिलेगा। अगले कार्ड की तरफ चले तो यहाँ पे हमारे पास आया है 1650 GDDR6 वाला वेरिएंट। अब यहाँ पे ब्रांड में आपको इनो 3D भी मिल जाएगा, जोटेक भी मिल जाएगा, एंड MSI भी मिल जाएगा। सबसे सस्ते कार्ड की बात करूँ तो इनो 3D का 1650 आपको मिलेगा हमारे पास 23,500 रुपीज़ में, जो कि स्टिल अभी भी ओवर प्राइज्ड है, बट मैं यहाँ पे आपको अपडेट दे रहा हूँ तो प्राइजेस तो मुझे आपको बतानी ही है। अब इसके बाद जो अगला कार्ड आता है वो 1650 सुपर आता है, बट इस बार 1650 सुपर का स्टॉक नहीं आया है, उसकी जगह यहाँ पे हमारे पास आया है 1660 Ti का स्टॉक। हालांकि 1660 सुपर अब आप लोगों को काफ़ी रेयर केसेस में मिलेगा क्योंकि उसकी जगह 1660 Ti अब आप लोगों को देखने मिलेगा, ऐसा सुनने आ रहा है। एंड जो 1660 Ti है ये हमारे पास आया है 42,000 में। हालांकि कल ही मैंने देखा Amazon के ऊपर सेल चल रहा था तो वहाँ पे आपको Zotac का 1660 Ti 39,900 के आसपास सेल हो रहा था। एंड अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो ना तो आपको 1750 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी उसके बाद इस वाले कार्ड को आप अराउंड 37,500 के आसपास परचेस कर सकते हो, 38,000 के आसपास। तो उस प्राइस रेंज पे भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। अगर आपको 1660 Ti चाहिए था तो आप लोग डेफिनेटली उस वाले कार्ड को ले सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट कार्ड की बात करें तो 1660 सुपर है जो कि 43,500 में अवेलेबल है। ब्रांड की बात करें तो फिलहाल हमारे पास कलरफुल का ही 1660 सुपर आया हुआ है, बाकी अगर आपको किसी अदर ब्रांड में चाहिए तो वो भी मैं आपको मंगा के दे दूंगा। अगले कार्ड की बात करें तो यहाँ पे इस बार RTX 2060 का भी कुछ एक स्टॉक आया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास इनो 3D का RTX 2060 पड़ा है जो कि हमारे यहाँ 49,500 में मिलेगा आपको। अब अगले कार्ड की बात करें तो यहाँ पे RTX 3060 भी अवेलेबल है। अब 3060 का मैंने आपको बता दिया, अगर आपको LHR वाला लेना है तो LHR वाला 55,000 रुपीज़ में मिलेगा, एंड नन LHR वाला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतने ही कार्ड्स आए हैं हमारे पास, एंड अगर आपको इनमें से कोई भी कार्ड परचेस करना है तो आप फिलहाल
फिलहाल हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी से कांटेक्ट कर सकते हो जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया, इधर फ्लैश हो रही होगी, साथ ही साथ में आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप मैसेज कर देना, हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। एंड एक छोटा सा अपडेट, यहां पे हमारा जो साइट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन के अंदर साइट लाइव हो जाना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, तो देखते हैं 2-3 दिन के अंदर अगर साइट लाइव हो जाता है तो आप यार हमारे वेबसाइट से भी ऑर्डर परचेस कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में अगर आपको कोई गेमिंग पीसी वीसी भी बिल्ड करवाना है तो उसके लिए भी आप यार हमारे साइट से ऑर्डर कर पाओगे, या तो अगर आपको अभी जल्दी में चाहिए तो यार इंस्टाग्राम आईडी से कॉन्टैक्ट कर लेना। इतना ही था आज की वीडियो के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, मैं भी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।